कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ हमारे फार्म पर, जहाँ मिल्किंग होने वाली है। और आज हम ऐसी मिल्किंग दिखाएंगे आपको, हम खुद भी मिल्किंग करेंगे और आपको भी सिखाएंगे। जिसने कभी भी लाइफ में मिल्किंग नहीं की हो, वो भी बहुत आसानी से कर सकता है, बस एक चीज के साथ। तो चलो फिर दिखाते है फटाफट से। अभी अमरूद का सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छे से अमरूद भी पेड़ पर आ चुके हैं। और अभी यहाँ पर थोड़े से कच्चे पके हुए सब प्रकार के बहुत सारे आए, और मुझे पके हुए अमरूद से ज़्यादा थोड़े से खट्टे मीठे कच्चे से अच्छे लगते हैं। और अभी ये बहुत छोटा है और मुझे कुछ अच्छे से नीचे से ही मिल गए, और हमने वो खाकर हम इनको लेकर लेने के लिए गए। और ये भी बहुत शैतान हो गए, बस घूमते रहते। पहले ऐसे नहीं था, जब भी 5:30 बजे तो ये अपने आप आ जाते थे फार्म पर, लेकिन अभी इनको बुलाने के लिए जाना पड़ रहा है। और अभी जब भी हम उधर जाते हैं, फिर यहाँ से ये चार पैरों से भागते हैं घर की ओर, और फिर हम फार्म पर आ चुके हैं अभी। और फिर भी यहाँ पर नाटक कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। देखो, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहे और कुछ तो छुप भी रहे, बिल्कुल भी उनको जाना का मन नहीं करता। ये देखो, क्योंकि खुली रहना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसीलिए वो बंधना नहीं चाहते, इसलिए इधर से उधर भागते हैं। लेकिन उनको रात को सेफ्टी के लिए उनको बांध कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम इनको अभी बांध दे रहे हैं। और फिर बाकी का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिन भर खुले में चर कर आते हैं अच्छे से। और देखो, इनके पेट भी कैसे मोटे मोटे से लग रहे हैं। और अभी सब हो गया। और ये हमारा टिक्कू सबका लाडला बहुत अच्छे से नखरे करता है, जब भी हम पास से जाते सब मुंह इधर से करता है, बस उसको लगता है कि मुझे आप भी गोदी में उठा लो। सबसे छोटा सा है टिक्कू, सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये आता है बिट्टू। हेलो बोलो सबको। और ये मोटू है, बिल्कुल परेशान करता रहता है, देखो कैसे खराब कर ले अपनी चारे से। और ये बहुत स्वीट सा है, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता किसी को, बहुत मजे से रहता है। और ये तो बहुत भागता है, देखा ना आपने वीडियो में पहले, लेकिन जब ये बन जाए तो बहुत स्वीट लगता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता। फिर आज चांदी के साथ हमने की बहुत सारी मस्ती, क्यों रोजाना हम बहुत ऐसे करते हैं। और जब ऐसे टकराते हैं तो जैसे छोटे बच्चे अपना उसमें करते हैं ना, हम भी इसी तरह से बहुत मजा आता है फिर उसको भी और हमें भी। इनसे हमें और हमें इनसे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तो हम भी ऐसे मजाक मस्ती करते रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ये ऑयल है और ये एरंडेल का ऑयल है, उसी से हम अच्छे से मिल्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं सन को अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो बैठते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह कुछ बहुत सारी होती है तो ख़राब हो जाए, इसीलिए अच्छे से साफ पानी से धो लिया। अभी ये एरंडेल का तेल लगाऊंगी, ताकि ये हम भैंस की स्किन बहुत ज़्यादा रफ होती है, इसीलिए उसको सॉफ्ट बनाने के लिए ये एरंडल ऑयल लगाते हैं, उससे ये सॉफ्ट बन जाती है और हमारे हाथ भी फटाफट से फिसलने लगते हैं जैसे हम मिल्किंग स्टार्ट करते हैं तभी। और इस ऑयल लगाने से ना बफेलोस को कोई परेशानी होती है, ना ही दूध खराब होता है। अरे, मुझे ऐसे किसी दी थी तो मैंने यूज़ किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मैं मिल्किंग फटाफट से सीख गई। आप भी सीख जाओगे। इसका बच्चा बच चुका है, इसीलिए इसको हाथों से ही ऐसे सहला कर ही निकालना पड़ता है, क्योंकि ये बफेलो के बच्चे दूध पीते हैं तो बहुत आसानी से दूध छोड़ने लगती, दूध रिलीज करती है बफेलो, लेकिन जब नहीं होते तो हाथों से सहलाना पड़ता है, तब भी जाके दूध रिलीज होता है। और देखो, अभी अच्छे से दूध रिलीज होने लगा। और इसी तरह से मिल्किंग मैंने स्टार्ट की, और आपके हाथों से ऐसे मुट्ठी से नीचे की ओर खींचना बस। और ये जब ऑयल लगाते हैं तो सटासट से हमारे हाथों से दूध हो जाता है फिर। और इसी तरह से मिल्किंग स्टार्ट करना, फिर बहुत अच्छे से मिल्किंग आएगी,
बिल्कुल भी हाथों को ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे खींचना, दूध अपने आप से नीचे आ जाता है। फिर जैसे कि हम लट्टू बांधे और ऐसे प्रेस करते नीचे से नीचे की ओर, इसी तरह से बस नीचे की ओर लाना है, ऊपर से लाओ या लेकिन पूरा नीचे की ओर करना। फिर ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बस ट्रिक यूज़ करना, फिर बहुत अच्छे से मिल्किंग कर पाते हो। बस हाथों को भी ज़्यादा इधर उधर नहीं, बस एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही करना होता है, और दोनों का एक साथ बिल्कुल भी नहीं, एक को छोड़ने के बाद दूसरा करना है। दोनों एक साथ करोगे तो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक के बाद एक को निकालना, तब जाके सही हो जाएगा। और आप इस तेल के साथ किसी की भी मिल्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बफेलोस की कर सकते हो तो काऊ या गॉट की, तो बहुत इजी हो जाएगी। फिर अब रियल मिल्किंग साउंड सुनो। और मिल्किंग करना कोई आसान बात नहीं होती, बीच में मेरे हाथ बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर से मैंने स्टार्ट किया और फिर भर दी मेरी। और फिर मिल्किंग फिनिश करने के बाद दूध इकट्ठा करते हैं, और कृष्णा और आदित्य यहाँ पर साथ के लिए खेल रहे थे। और फिर मैं दूध इसमें डाल लूंगी अभी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।